नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में इस समय सत्ताग्रह की बात भी चल रही है और लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच गहमा गहमी का माहौल जारी है। भाई कारण भी होना भी चाहिए, क्योंकि यहां पर 24 का चुनाव आ चुका है और 9 राज्यों में चुनाव भी यहाँ हो रहे हैं। 3 राज्यों में हो चुके हैं और अभी तमाम राज्यों में बाकी है। तैयारी पुख्ता है, जहां एक तरफ विपक्ष दो धड़े में कहने की बात सामने आ रही थी, सूत्र बता रहे थे। जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता गए थे, वहां पर अपनी बैठक की थी, बैठक के बाद जो मुलाकातें हुई थी उसके बाद तमाम तरह की सरगर्मियां शुरू हुई थी और वहां पर कांग्रेस का नाम लिए बिना जिस तरह की चर्चा हो रही थी, कहा जा रहा था कि जो विपक्ष अपने आप को बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बनाने वाला था, वही विपक्ष फिलहाल यहाँ पर दो धड़े में तब्दील होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस, KCR, MK स्टालिन, RJD समान तमाम दलों की यहाँ बातचीत चल रही थी और कहा जा रहा था कि ये पार्टी, ये लोग यहाँ मिलकर एक अलग तरह की राजनीति करने जा रहे हैं और विपक्ष की भूमिका निभाने जा रहे हैं। खैर, कांग्रेस के ऊपर कोई बात नहीं कही जा रही थी। कांग्रेस को कहा जाता है कि कांग्रेस जहाँ जहाँ है वो मजबूत हो, और ये बात मैंने नहीं बल्कि ये सपा प्रमुख ने तमाम समय बयान देते हुए कही और करना भी चाहिए। भाई यहाँ पर अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो चुनौती कहाँ बनेगी। भाई अगर किसी देश का लोकतंत्र मजबूत होता है तो सबसे पहले उस पर बात होती है कि सत्ता पक्ष मजबूत, विपक्ष भी मजबूत, और जब विपक्ष भी मजबूत होता है तभी एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती को हम गौर करते हैं। उसकी जो खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होना चाहिए। खैर, 24 चुनाव है, महत्वपूर्ण है, रणनीति यहाँ पर तैयार हो रही है और तैयारी यहाँ हो रही है निकाय चुनाव की भी, तैयारी यहाँ हो रही है उपचुनाव की भी। क्योंकि निकाय चुनाव की बात करें तो जो 3-layer टेस्ट हुआ था, वो टेस्ट की जो रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी सुप्रीम कोर्ट ने, सौंपने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को यहाँ मंजूरी दे दी है और जल्द ही उम्मीद है कि यहाँ पर चुनाव आयोग घोषणा करेगा कि उत्तर प्रदेश में 760 निकायों पर चुनाव कब होंगे। खैर, तैयारी पूरी है और यहाँ पर जिस तरह से रणनीति चल रही है, बैठकों का दौर जारी है, पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, स्पष्ट करती है कि निश्चित रूप से इस चुनाव के लिए, जो कि 24 से पहले उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल के रूप में माना जा रहा है, सभी अपनी तैयारियों के साथ यहाँ पर उतरने वाले हैं। खैर, विपक्ष यहाँ पर अपनी रणनीति बना रहा है और सत्ता पक्ष अपनी। इस बीच उत्तर प्रदेश में दो महत्वपूर्ण उपचुनाव भी होने हैं। एक तो मिर्जापुर की 96 सीट, जहाँ पर विधायक की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वो सीट खाली हुई थी, और दूसरी मैरपुर सीट, सोआर टांडा सीट रामपुर की, वहाँ के विधायक अब्दुल्ला आजम की सजा होने के बाद सदस्यता रद्द हुई थी, उसके बाद वो सीट खाली हुई थी, वहाँ पर चुनाव भी होने हैं। 10 मई को चुनाव होगा और 13 मई को इसको परिणाम आएंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक गौर करने वाली है कि जहाँ एक तरफ सत्याग्रह की बात चल रही है, जहाँ एक तरफ राहुल गांधी को सजा होने के बाद लोकसभा की सदस्यता से यहाँ पर हाथ धोना पड़ा था, बंगला खाली करने का नोटिस आ गया है, जहाँ एक तरफ विपक्ष बोल रहा है कि सरकार तानाशाह हो चुकी, सरकार बोल रही है कि विपक्ष भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है, इसी विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है, और विपक्ष के आरोप केवल सरकार पर ही नहीं बल्कि न्यायपालिका पर है और सरकारी एजेंसियों पर है। खैर, यहाँ पर हम तमाम बातों को अलग भी करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जुड़ाव नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, तो तस्वीर बदलेगी कैसे। बीजेपी जहाँ बोल रहे हैं कि 24 में हम हैट्रिक मानने वाले हैं, तो भाई विपक्ष बोल रहा है कि इस बार बीजेपी का जादू चलने वाला नहीं है, बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के प्रधानमंत्री फिर चेहरे हो सकते हैं, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री, दूसरी बार कार्यकाल उनका चल रहा है और हो सकता है तीसरी बार भी उनका चेहरा यहाँ पर रखा जाए प्रधानमंत्री के रूप में। पर जो स्थिति है वो स्थिति यहाँ पर इसलिए अलग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष है वो भी अपनी कमर कस चुका है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी भी अपनी एक अलग छवि बनाते नजर आए, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं के साथ बातचीत करके एक स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर केवल चर्चाएं नहीं हो रही हैं, यहाँ बैठकें नहीं हो रही हैं, बल्कि यहाँ पर मजबूत रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी खिलाफ और बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए, यानी हैट्रिक रोकने के लिए। सफल कौन कितना होगा, कैसे होगा और किस तरह से व्यवस्था को किया जाएगा वो अलग बात है, पर एक बात तो स्पष्ट है कि चुनाव 24 का हो या निकाय चुनाव हो या उपचुनाव हो, यहां पर कोई भी चुनाव हल्का नहीं होने वाला है। संघर्ष अभी हमने हाल में ही देखा है, और वो संघर्ष देखा था हमने कन्नौज की सीट पर, खतौली की सीट पर और रामपुर की सीट पर, जहां पर दो जगह समाजवादी पार्टी उनके सहयोगी दल को जीत हासिल हुई थी, तो रामपुर में जिस तरह से जीत हासिल कर
भाजपा के प्रत्याशी आए थे उससे एक बार स्पष्ट हो गई थी कि किसी की तूती हो या बादशाहत हो, जनाधार जनता ही देती हो। जनता ने यहाँ पर जनाधार देकर स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो दूसरी चल रही है। खैर, यहाँ पर तमाम रणनीति है, तमाम तरह की बातें हैं, पर इन बातों के बीच में भी एक बात और निकल के सामने आती है, वो ये आती है कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी हैं। तैयारियां यहाँ बीजेपी का कहना है कि हमारी बैठकों का दौर लगातार जारी है और बूथ स्तर तक हमारा संगठन मजबूत है और हम यहाँ पर एक नई इबारत लिखने वाले हैं, जो पूर्व में हमने किया है वही यहाँ पर करेंगे। अब पूर्व में क्या हुआ है, कैसा हुआ है, वो जनता के सामने है, पर जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन यहाँ बातों को नकारने में और सरकार बदलने में पीछे नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर अगर वास्तव में सबसे जो ताकतवर होता है वो है जनता, और जनता जब यहाँ पर निर्णय लेती है तो बड़ी से बड़ी सरकारें फेंक देती है और बड़ी बड़ी सरकारों को फेंकने का नतीजा हम देख चुके हैं कि जहाँ पर कांग्रेस जैसी पार्टी भी एक रिकॉर्ड बहुमत के साथ सरकार में आई थी और चली भी गई थी। महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे मेहमान जी रूबरू करा रहे हैं, प्रवक्ता भाजपा से दिवाकर सिंह भाई अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे उनके फॉरवर्ड प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे, नाभर सिको वरिष्ठ पत्रकार रूप में अपनी बात रखेंगे, अजय चंद चौबे कांग्रेस से अभी जुड़ने वाले हैं वो अपनी बात रखेंगे। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल है, प्रवक्ता भाजपा से रहेगा, दिवाकर भाई, वादे लक्ष्य संगठन बैठक आरोप प्रत्यारोप के दौर पर इनके बीच में जनता की बात कहीं ना कहीं गुम जाती है। खैर, यहाँ जनता की बात तो करना कोई नहीं चाहता, सब यहाँ बातें हैं और बातों के दर से यहाँ पर केवल ये कहा जाता है कि जनता की हम विकास का काम कर रहे हैं। बीजेपी का अपना कहना है, जीआईएस समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ की बात भी कही जा रही है, कानून व्यवस्था पर बात भी की जा रही है और लगातार जो अभी सप्ताह का घटनाक्रम है वो भी स्पष्ट करता है कि बीजेपी जो बोल रही है उसको करने में कोई कुरकसर नहीं छोड़ रही है। और अभी हाल में जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि माफिया में मिट्टी मिला देंगे, उसकी भी तमाम तरह के आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, कल का घटनाक्रम इसका उदाहरण है। खैर, या न्यायपालिका की जीत हो, एक संदेश गया था कि कितना भी बड़ा माफिया हो कानून से बच नहीं सकता, देर है अंधेर नहीं, कैसे देखते हैं और उपचुनाव और निकाय चुनाव की तैयारी पर क्या बोलेंगे जी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय जी अध्यक्ष महोदय और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, बड़े नेता लोग अपने विचार विमर्श के द्वारा हमेशा ये बात कहते हैं कि हम हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं, चुनाव के लिए हमको तैयारी नहीं करनी है, हमेशा हम चुनावी मोड में ही रहते हैं, चुनावी मोड में रहना, क्योंकि हमेशा चुनाव के बारे में हमारा संगठन अलग काम करता है, सरकार अलग काम करती है। संगठन देखिए, संगठन का भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ जी, प्रदेश में दायित्व बदले गए हैं, नए लोग भी लाए गए हैं, तो हमेशा हमारे यहाँ चुनावी मोड रहता है। हमारे संगठन में जो फेरबदल हुआ है बहुत सामंजस्य तरीके से हुआ है, हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास के साथ काम होता है और हम लोग चुनाव में हमेशा जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हम लोग देखने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं कि चुनाव देखा जाएगा। ये देखने वाले चुनाव समझ में नहीं आ रहा, नहीं, कुछ लोग देखते हैं कि अच्छा देखा जाएगा। अच्छा, किसके लिए कह रहे हैं आप? अब हम नहीं कहेंगे, बता दीजिए, इतनी बड़ी बात बोल दी आपने, इतनी बड़ी बात इसलिए बोल दी है कि हमेशा लोगों का कभी यहाँ बंधन, कभी वहाँ गठबंधन, कभी ये बातें, कभी वो बातें, तो हमारा तो पार्टी का जो मोटो है एकदम साफ है। अच्छा, चुनाव से पहले जो गठबंधन हुआ वो गठबंधन आज भी चल रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ चुनाव के बाद कम गठबंधन देखने को मिलता है, चुनाव से जो पहले जैसी सक्रियता रहती है, पूर्ण बहुमत में भाजपा आने के बाद भी सही गठबंधन याद है आपको? हाँ, बता रहे हैं आपको बता रहे हैं, पहले जो तय होता है वो रहता है। अच्छा, राजभर जी किसी कारणवश नहीं रहे, उनके कुछ विचार रहे नहीं रहे, कभी हमारी बातों को मानते हैं, कभी हमारी बातों से नाराज हो जाते हैं पार्टी की बातों से। अच्छा, तो इसमें तुम्हारी पार्टी की जो लॉ एंड ऑर्डर पर है, लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर कई बार तारीफ राजभर जी भी कर चुके हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, विकास भी ठीक है जी। अब जो भी हो, शीर्ष नेतृत्व का काम है इस पर विचार करना। अच्छा, और जब हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होंगे, पार्टी की नीतियाँ अच्छी लगेंगी, सारे लोग जुटते हैं, सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। सरकार की नीतियाँ विपक्ष होना चाहिए, हम नहीं कहते हैं विपक्ष नहीं रहना चाहिए, लेकिन सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, केवल सरकार का विरोध करने के लिए विपक्ष की भूमिका नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, हम केवल सरकार के अच्छे कामों की तारीफ भी होनी चाहिए और विपक्ष इसलिए है कि आईना दिखाने का काम करें, भाई सदन बनी हो, सदन में बहस होती है, सभी लोग बोलते हैं, सदन तो स्थगित हो रही है, बता रहे हैं आपको, सदन सुन लीजिए, सदन बहस के लिए होती है, लेकिन आप किसी मुद्दे को लेकर के, एक साधारण मुद्दे या जो भी आपका आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको सदन में
जब आप कह रहे हैं कि सदन में बहस नहीं होती, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो सदन जब चल रही तो अपनी बात कहिए ना, अपनी बहस करिए, अपनी बात को रखिए, पूरा देश देखेगा, पूरा विश्व देखेगा सदन चलती है तो। हमारे यहाँ के सदन तो ऐसे नहीं है कि जो पूरे विश्व में नहीं लोग देखते हैं जी, सारे लोग बातें सुनते हैं, सदन इसलिए बनी है, सेशन हमेशा चलते हैं। अच्छा, सत्र कभी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि जिस तरह से राहुल गांधी की अभी हाल में सीट खाली हो गई भाई, रद्द हो गई सिलसिला, उसके बाद जिस तरह से विपक्ष का उनको साथ मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस मामले में ऐसा लगता है आपको, जो विपक्ष यहाँ पर दूर बात की जा रही थी, वो विपक्ष इस मामले के माध्यम से, इस मामले की गहराई से एकजुट होना जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी चुनौती भाई, विपक्ष अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट के आदेश का पालन करना सरकार का काम है, कोर्ट के जो आर्डर होते हैं सरकार उसको पालन कराती, यही है जो हमारा विपक्ष का कहना। यह था कि राहुल गांधी वाले मामले में तत्काल रूप से वहां पर सरसर रद्द कर दी गई, और अभी विक्रम सिंह सैनी जो कि खतौली के विधायक थे, उनकी सजा 1 महीने पहले हुई थी, उस सजा में 1 महीने का समय लगा दिया, भूल गए थे। देखिए ऐसी बातें नहीं है जी, न्याय तत्परता से लिया जाता हमारे राज्य, सुन लीजिए, जो लोकसभा अध्यक्ष जी महोदय संज्ञान में आया, कई बार कई विधायक की भाजपा के भी जो दोष सिद्ध हुए उनकी सदस्यता कई की गई, कोई कानूनी अड़चन होगी या कानूनी राय ली जा रही होगी उस मसले में जो हुआ होगा, अगर इसमें नहीं, जब आप प्रावधान लाए थे जी, आपके ही समय का प्राविधान है जी, ये कानून जो लाए थे आप, सदस्यता खत्म, कांग्रेस का ही है ना, बिल्कुल इसी के पे, अब हम नहीं कहेंगे कि संशोधन नहीं हुआ कांग्रेस में, कांग्रेस सरकार तो सरकार तो हमारी, जो आपके कानून, जो आपके नियम किसी को स्थगित तो नहीं करे, जो कानून बन गया उसका पालन करेगी, आपके समय कानून है, आपके समय कानून हो, सरकार फॉलो करेगी, एक दिन में किसी एक महीने में, ठीक है ठीक है, नहीं एक दिन एक महीने नहीं, कोई ना कोई कानूनी अड़चन होगी जिसमें सरकार ऐसा नहीं करती है, सरकार हमेशा निष्पक्ष भाव से काम कर रही है अपने भारत पर। एक बार आपने बहुत चीखी थी बकर भाई, अगर सरकार बेहतर काम कर रही है तो विपक्ष को भी इस बात का समर्थन जी जी करना चाहिए, ये विपक्ष को हमेशा समर्थन करता, विपक्ष करता नहीं, और राष्ट्रीय मुद्दे पे तो हमेशा एकजुट होना चाहिए, पिछले सरकारें भी राष्ट्रीय मुद्दे पे एकजुट रही हैं, विरोध हमारा अंदर का होना चाहिए, सदन के अंदर आप विरोध करें स्वाभाविक है, विरोध आप करिए, तमाम तरह की गलत, तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन राहुल गांधी भी कैबिनेट में जाके बयान देके आ गए हैं, ये बात देश के बाहर जाना किसी भी साधारण से साधारण कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता ये नहीं कहेगा कि हमारे देश की बात बाहर जाके, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी, ये हमारे देश के गर्व की बात है और हम इस लोग इस पे चाहेंगे जो भी बातें हैं वो अंदर समझ लिया जाए, अंदर समझ लिया जाए। इंदिरा गांधी ने भी ये नियम फॉलो किया था, मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, एक बार जब इमरजेंसी, एक बार इंदिरा गांधी की सरकार अली विदेश गई, लोगों ने उस पे कुरेदा उनसे, उन्होंने कहा कि देश की बात है, हम देश में कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात की, ठीक है। चंचल यादव भाई, आप लोग समर्थन क्यों नहीं करते, अगर अच्छा ये समर्थन कर दीजिए भाई, 35 लाख करोड़ का निवेश आया, समर्थन करना चाहिए, कल न्यायपालिका की जीत आई, समर्थन करना चाहिए, सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर करी, समर्थन करना चाहिए, अगर कुछ बेहतर हो समर्थन, बिल्कुल विरोध करिए, विरोध करने का अधिकार आपको भारतीय संविधान देता है, पर कहीं ना कहीं आपको अगर बेहतर हो रहा तो समर्थन कर दीजिए, दर्द है उनको भाई, निश्चित तौर पे अगर ये बेहतर करेंगे तो समाजवादी पार्टी समर्थन भी करेगी, लेकिन जी सवाल आज हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के लिए सबसे काला दिन है, क्योंकि न्याय अगर हम बात करें सरकार द्वारा न्याय की अगर उम्मीद हम बात करें जातिगत आधार पर, अभी आपको ध्यान होगा पुष्पेंद्र हत्याकांड जो एक चर्चित हत्याकांड था जी, और निर्दोष एक नौजवान को मार दिया गया जी, और कितना लंबा समय बीत गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जिस तरीके से रवैया उसका है, जिस तरीके से जातिगत आधार पर जो है फैसले लिए जाते हैं, जिस तरीके से जाति के आधार पर अधिकारियों को जो है प्रमोट किया जाता है, आपको याद दिलाता हूं आज उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया शिवानी, ये सोचिए कितनी बड़ी, मतलब ये समझिए सरकार के ऊपर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक महिला जो है सरेआम ये आरोप लगाती है कि मेरे पति को न्याय नहीं मिला, इसलिए मेरा जीना अब मतलब जो मुझे उम्मीद नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज बताता हूं, आप जो बात कर रहे थे अभी, आपने कहा गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, आप अगर पूरे देश में तकरीबन 36 पार्टियों का गठबंधन है, बिल्कुल, और ये इनको सत्ता पाने के लिए एक बहुत अच्छी बात दिवाकर भाई ने की, मैं इन बात का समर्थन करता हूं, इन्होंने कहा कि हम चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं, इनको सत्ता चाहिए, चाहे वो एन प्रकरण जैसे भी हो, चाहे इनको जो है महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करना पड़े, चाहे वो क्या नाम असम के अंदर जो जिस पार्टियों को विरोध किया करते थे उस पार्टी से गठबंधन करना पड़े, चाहे ये इनकी पार्टी के जो पार्टी को कई पार्टियों को 2-3 फाड़ में तोड़ना पड़े, ये कह रहे थे ना कि हमारा गठबंधन टूटता नहीं है। अच्छा, हमारे साथ जुड़े होते हैं लोग, पड़े रहते हैं। आपको याद दिलाता हूं जब भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम औकात हुआ करती थी तो 3 पार्टियों ने बहुत मजबूत किया इनको पूरे देश में, एक सबसे शिवसेना,
दूसरी आपको जेडीयू के बारे में बताता हूं, तीसरी अकाली दल। इन तीनों पार्टियों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान किया, लेकिन आज इनका जो है डिवाइड एंड रूल, जो इनका जो ये जो अंग्रेजों के जो है अंग्रेजों की नीति पे चलते हुए और अंग्रेजों के ये मैं आप देखो इनका इतिहास पढ़ो भारतीय जनता पार्टी का, ये अंग्रेजों से सीखते हुए लोग आए हुए हैं और अंग्रेजों को फॉलो करने वाले लोग हैं और बड़ी लंबी फहरिस्त है। अच्छा, और उन बात आप सोच लीजिए, मैंने गठबंधन की बात हुई। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो है सदन, आप बताइए गौरव जी, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ है आजाद भारत के बाद कि खुद सत्ता में बैठे लोग सदन को न चलने दे रहे हो। अच्छा, भाई सदन को चलने चलाने की जिम्मेदारी तो सत्ता के लोग की होती है ना। अच्छा, जो सत्ता में सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है, होती कि नहीं होती है। लेकिन आज सोचिए जिम्मेदारी भी होती है इन लोगों की, सोचिए मैं बड़ी हंसी आती है, जिम्मेदारी भी है। हाँ, जनता ने आपको भी चुना है। यस, आप सोचिए कम से कम सत्ता के लोग जो है, ये बताओ ये लोग जो है तकरीबन 10 दिन सदन नहीं चलने दिए इन लोगों ने, और आज भी हाल है। अच्छा, दूसरी बात यह है, आज बात हो रही है नगर निकाय में आरक्षण की बात हो रही थी, आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है एकदम सरेआम आरक्षण विरोधी है। मैं एक एक पॉइंट बताता हूं आपको, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला। अच्छा, आप सोचिए जिस तरीके से सत्ता में जो चुनाव चल रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री ने वादे किए थे। अच्छा, कि मैं इसको लागू कराऊंगा, लेकिन आज सरकार को तकरीबन 13 महीने होने जा रहे हैं लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। वहां पर नौजवान साथी हमारे जो धरने में बैठे हुए हैं उसमें 2-3 लोगों की बेचारे सुसाइड भी कर लिए, कई लोग जो है आपके पास आंकड़े आए होंगे, लेकिन आज जो इतने परेशान हैं उनका कहना है कि हम शुद्ध हैं इसलिए हमें सरकार अधिकार आंकड़े भी आए। ये भी पता है कोई विपक्षवा मिलने भी नहीं गया उनसे, बहुत सारे हमारे पार्टी कई सारे नेता गए, खुद ऑलरेडी होके आया हूँ। दूसरी बात गौरव जी, मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, और यहाँ केवल एक 69,000 की बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको याद दिलाता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर किरोड़ी मॉल कॉलेज है जी, और वहां पे जो है अभी एक वहां के प्राचार्य से रिटायर मेरा ख्याल है कि 31 जनवरी को शायद रिटायर हुई है। 31 जनवरी के पहले मेरा 22-23 मतलब कोई डेट थी, उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया 25 लोगों को, 25 में सारे के सारे जनरल कैंडिडेट को बुलाए गए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति थी। अच्छा, और उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया 25 में 2500 के जनरल के लोग थे। दूसरी चीज है, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 16 जो है पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति थी। अच्छा, उसमें जो 4 सीटें ओबीसी की थी, आरक्षित वर्ग की जो 4 सीट ओबीसी की थी, इसमें इन्होंने जनरल को बुलाने का डर था कि ओबीसी को ना बुलाने का डर था। सुनिए, 2 सीटें जो है, चल भाई यहाँ दर्द किसका, जनरल को बुला लिया वो दर्द है कि ओबीसी को नहीं बुलाया वो दर्द है। सवाल यह है कि निष्पक्षता नहीं है। अच्छा, इनका जो चेहरा है वो चेहरा जो है बस केवल वो देखता है, जैसे मैंने बताया ना आपको अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर जो नियुक्तियां हुई उसको उठा के देख लीजिए, जहां भी निष्पक्ष काम ही नहीं करना है इनको। अच्छा, इनको केवल जाति देखना है, धर्म देखना है, उसके आधार पे काम करते हैं ये। अच्छा, अगर चाहे आपको चुनाव उठा के देख लीजिए। अच्छा, अभी आपने कहा एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ चुनावी मूड हमेशा रहते हैं, सरकार काम क्या कर रही है। और आपको सुन करके ओबीसी से बात है, आपको पता है डिप्टी सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, क्या क्या जनरल से आते हैं? यस, नहीं, ओबीसी हैं डिप्टी सीएम साहब। हाँ, मैंने कहा ना जो स्टूल उनको मिला हुआ है। अच्छा, एक हमारे स्टूल मंत्री हैं, उनको जो स्टूल मिला है गौरव। हाँ, भाई आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। हाँ, कि क्या उनकी हिम्मत है कि 69,000 भर्ती में बोल पाए वो? क्या आरक्षण घोटाला उनकी हिम्मत है? जिस दिन बोल देंगे वो स्टूल उठा के फेंक दिया जाएगा, बैठने की जगह भी खत्म हो जाएगी उनकी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तभी आप विधायक बोला उनको प्रलोभन दे रहे थे। और दूसरी बात बताता हूं, आप तो उनके पास विधायक भी नहीं है, सच्चाई है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, दूसरी बात, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 4 सीटें थी, केवल 2 लोगों को नियुक्ति की गई, 2 में एनएफएस कर दिया गया। और बड़े मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी ओबीसी के नेता की हिम्मत नहीं है कि आवाज उठा दे, क्योंकि लोकतंत्र है ही नहीं बीजेपी में। अच्छा, जो अगर आज अगर दिवाकर में बैठे हैं, मैं चैलेंज ये भी करता हूं, आइए अपने मोहल्ले की रोटी बना सकते हैं। अच्छा, मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी में जो नेताओं की पावर क्या है। अच्छा, होता है कि आज के समय में एक गुजराती कुनबा आ गया है, है पूरा सुन लीजिए, पूरा पूरा जो है वो झरने की तरह, एक पहले एक आदमी आता है पूरा फव्वारा पकड़ लेता है, हल्का हल्का बांटता है। पावर किसकी है फिर? पावर किसकी पास है? पावर केवल 2 लोग चला रहे हैं। अच्छा, को बता दीजिए, केवल 2 गौरव जी, केवल 2 लोग चला रहे हैं, 2 लोग आप जान रहे हो। अच्छा, एक जो है मैंने बताया, देखिए आज चला रहा है, सुनिए, आजकल एक चर्चा चलती है फिर सोशल मीडिया के माध्यम से कि 2 लोग बेचने वाले हैं, 2 लोग खरीदने वाले हैं। अच्छा, अडानी और अंबानी और हमारे प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे मेहनत करते हैं। आप सोचो, जो हमारे पीएसयू थे, मैं तो पूछता हूँ दिवाकर भी बैठे हमारे बगल में। अच्छा, ये बता दे पिछले 9 सालों में एक भी पीएसयू उन्होंने लेके आए हो? एक पीएसयू बनाए हुए? अगले टर्न पे पूछ लूंगा, ठीक है दिवाकर भाई, अभी अगले टर्न पे पूछ लो, ठीक है। चौबे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी याद लेता हूँ जी। अच्छा चौबे, क्या आप जुड़ चुके हैं? जी चौबे जी, आपने पूरी बात सुनी, शायद संपर्क आपसे हो नहीं पा रहा प्रॉपर तरीके से। किस तरह देखते हैं सत्याग्रह की शुरुआत भी, हालांकि आप लोगों को यहाँ पर इजाजत नहीं मिली, ठीक है, विपक्ष
एकजुट होने का प्रयास कर रहा है, राहुल गांधी एक अलग रणनीति के साथ करते चल रहे हैं, और 23 मार्च के दिन उन्होंने अपनी माफी नहीं मांगी और वहां पर सजा भी मिली और सरसरा भी हाथ धोना पड़ा। 1931 शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, उनको सजा मिली थी, और रॉलेट एक्ट के तहत महात्मा गांधी को भी 6 साल की सजा मिली थी, उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। और वही स्थिति को दोहराते हुए राहुल गांधी कहना था कि उसी तर्ज पर चलते हुए हम भी यहाँ पर माफी नहीं मांगे क्योंकि मेरा कोई गुनाह नहीं है, इसलिए हमको भी सजा आप दे दीजिए और सजा मैं स्वीकार करता हूँ। कैसे देखते हैं रणनीति को और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार एकजुट होने का प्रयास कर रहा है, चुनौती किस तरह बनेगा बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव के लिए? चौबे जी, माननीय राहुल गांधी जी ने माफी न मांगकर जी एक तरह से तानाशाही जी ने से इनकार कर दिया जी। सत्याग्रह का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका में भी स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने किया था और उसका सफल प्रयोग रहा जी, और उसको आजाद कराया था। उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान में जी बिहार के चंपारण से 1917 में प्रारंभ किया जी, और अंग्रेजों को द्वेष छोड़ के भागना ठीक, अंग्रेजों के ही समर्थन में उनको मजबूत करने वाले जनसंघ के लोग जो आज आरएसएस और भाजपा के लोग हैं। अच्छा, उस समय भी हिंदू और मुस्लिम लीग बना भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए अंग्रेजों के इशारे पे, आज भी विदेशी ताकतों के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी जाति संप्रदाय में देश को बांटकर तोड़ने का काम कर रही है, विखंडित करने का काम कर रही है। अच्छा, देश को बचाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला। अच्छा, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को मजबूत करने की ठीक है। भारतीय जनता पार्टी राहुल जी की लोकप्रियता से घबरा गई। अच्छा, लोगों को कौन सी लोकप्रियता, भारत जोड़ो यात्रा वाली यूनिवर्सिटी में व्यवहार वाली भारत जोड़ो यात्रा जो ये दो लोकप्रियता है उनकी करोड़ लोग समर्थन में थे। अच्छा, उसी बीच जो राहुल गांधी जी ने अडानी महोदय पे जो सवाल कर दिया, अच्छा, जो LIC का पैसा हो, बैंकों का पैसा हो, प्रधानमंत्री जी दबाव डाल के, अच्छा, और सरकारी उपक्रमों से जबरदस्ती अडानी जी का शेयर खरीदने का दबाव डाल के, अब इसमें घोटाले को आपको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे मैं हूँ, मेरे पास 1 रुपया है और मैं मार्केट में कह रहा हूँ ये 1 नहीं ये 350 का सिक्का है। अच्छा, तो अडानी के 1 रुपए शेयर का जो वैल्यू था जी, उसको सरकारी उपक्रमों से खरीदाया ही गया, बहुत खरीद दबाव डाल के खरीदवाया गया बहुत ही ऊंचे दाम। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा किया गया बहुत ही बड़ा घोटाला है। अच्छा, अगर राहुल जी को अडानी पे सवाल पूछना और चोरों का नाम बताना अगर गुनाह है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जी, दूजी और कोलगेट से जो आरोप लगा रहे थे आज उसी सरकार में जी, सारे लोग दोष मुक्त हैं जी, तो क्या उन लोगों की सदस्यता गई? क्या भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में मध्य प्रदेश में व्यापकम घोटाला हुआ, सैकड़ों लोग उसमें मारे गए, फिर भी वहां से मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी फिर मुख्यमंत्री बनाए हुए है? अच्छा, किसी पे कोई एक्शन है? भ्रष्टाचार पे कोई एक्शन है? उत्तर प्रदेश में मैंने पिछले दिन भी उठाया था, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में रेप की घटना, वहां के प्रोफेसर प्रतीक अग्रवाल ने टूरिज्म की शोध छात्रा के साथ किया था जी, वो अयोध्या की रहने वाली लड़की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहाँ पे बुंदेलखंड में सैकड़ों नियुक्तियाँ प्रोफेसर रमेश चंद्रा के समय में जी किया गया, बिना विज्ञापन के किया गया, कर्मचारी से लेके प्रोफेसर तक की जी, बिना विज्ञापन निकाले नियुक्ति हो सकती जी, है क्या? अच्छा, और भी वहाँ दुबे जी भी इसी थे, उन्होंने भी नियुक्ति घोटाला किया, आयोग के लोगों की किया, बैसंपाय जी ने रूसा के पैसे अधिकारों का घोटाला किया, उनकी पत्नी का लखनऊ यूनिवर्सिटी में बिना गवर्नर नामनी आए ये नियुक्ति हो गई, मतलब वो भी एक घोटाला था। अच्छा, दुबे जी के लड़के का गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो इतने घोटाले हैं तो डिबेट में क्यों बोल रहे हैं? संघर्ष करिए, रोड पर उतर आइए। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अंग्रेजों के समय में भी संघर्ष रोड पे ही की थी। अच्छा, और माफी
मांग के कांग्रेस पार्टी ने कभी इस देश के तिरंगे को झुकने नहीं दिया। अच्छा। कांग्रेस पार्टी के सिपाही सबसे अपने सीने पे हाथ। चलिए ठीक है, हो गया, कथा सुन लिया आपने, ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है ठीक है, मुद्दे की बात पे आपने अलग अलग ठीक है बोल दिया। शेर मोहम्मद तकी, आप मुस्कुरा रहे थे दिबाकर भाई की बात पे, क्या मुस्कुराने का कारण क्या है? खुश है क्या आज? आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय हो रही है, इसलिए खुश है क्या? अच्छी कहावत है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी की सारी दौड़ चुनाव जीतने तक। अच्छा। और चुनाव जीतने के बाद ये हाथ हाथ धर के बैठ जाते हैं, जनता को लूटने का खेल शुरू कर देते हैं। अच्छा। लगातार इस तरह से महंगाई बढ़ रही है भारत के अंदर, आप देख रहे हैं जनता परेशान है, बेहाल है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर तरह से सरकार जो है जनता से पैसा ले रही है, चूस रही है। अच्छा। कभी ट्रांजेक्शन के बहाने, कभी टोल टैक्स के बहाने, अब तो एपीएम पेटीएम से पेमेंट के बहाने भी पैसा लूटा जाएगा। तो सरकार अलग अलग तरीके 50 से ना 10 बहाने करके ले गया, अभी गाना आया था। अच्छा, अच्छा। तो 50 बहाने करके बीजेपी जनता का पैसा लूट रही है। अच्छा। और कहती कि हम जनता की भलाई काम कर रहे हैं। अच्छा। जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जनता का पैसा नहीं बच रहा है, जनता के अकाउंट खाली होते जा रहे हैं, कहां जनता की भलाई काम हो रहा है? अच्छा, बीजेपी ने एक काम जनता का भलाई का नहीं किया। मैं पिछले कई चैनलों में गया हूँ, जाता रहता हूँ, डिबेट करता हूँ, मैं बीजेपी के लोगों से पूछता हूँ, बताइए एक भलाई काम किया जनता के लिए, तो ये बता नहीं पाते। पूछ लूंगा। इन्होंने सिर्फ अदानी की भलाई काम किया है, अदानी अंबानी की। आप अच्छा, आप भी अदानी को लेके चले हैं, सोच रहा था अल्लाह के लिए। बिल्कुल। और अदानी जो है सिर्फ दिखावा है, पीछे से उसके नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा। वो अदानी कंपनी नरेंद्र मोदी जी उसको चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को सारा पैसा जा रहा है, इसीलिए वो उसके ऊपर जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बिठवा रहे हैं। अच्छा। और उसपे अगर वो बैठ गई तो सारी पोल खुल जाएगी, सारा साफ साफ सामने आ जाएगा। अच्छा। बीजेपी जो है एडनबर्ग ने जो सवाल पूछा था, टिकट सवाल नहीं पूछ पा रही है बीजेपी जो है, 56 का सीना दिखाती थी, 56 इंच का हमने एक पोस्टर लगा दिया, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो सौ एफ आई आर लगा दिए। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी लगाए, तो आम आदमी पार्टी आने वाले समय में हर देश के हर कोने कोने में, हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में, हर पहले आपके नेता बोले थे हमने नहीं लगाया, किसी और ने लगाया, सब हर जगह स्वीकार लिया, देना दुरुस्त है। उसके बाद जंतर मंतर भी किया था आम आदमी पार्टी ने, उसके अगले दिन जनता मंत्र में प्रोग्राम भी किया था। हमारे नेताओं ने कहा था कि पोस्टर लगाए, पोस्टर लगे थे, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग गिरफ्तार किया था, फॉरन फॉरन उनको छोड़ना ही पड़ा जब उनको दबाव पड़ा। अच्छा। तो आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की पोल को खोलेगी, बीजेपी के असली चेहरे जनता के सामने लगेगी। अच्छा, विपक्ष में जाएगी नहीं जाएगी? विपक्ष में एक साथ जाएगी कि नहीं जाएगी? हम तो विपक्ष के साथ है ही, हमने विपक्ष से कई बार विपक्ष के साथ आने का जी, ये जो बीजेपी ने आनंद फानन में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की है, राहुल गांधी सदस्यता नहीं रद्द की है, पूरी विपक्ष की सदस्यता रद्द की है। अच्छा। और पूरी विपक्ष को इस मुद्दे पे एक साथ आना चाहिए। अच्छा। ये जो काला युग चल रहा है देश के अंदर, जो काला दिवस था लोकतंत्र का, वो बहुत ही खराब था। अच्छा। ये इस तरह से आप आनंद फानन में गुजरात के कोर्ट में आप ही के एमएलए ने जो है उसके उधर याचिका दायर करी, उसके बाद उसके फेवर का जो जज नहीं था तो याचिका पे रुका रहा, उसने वेट किया कि मेरा फेवरेट जज आए उसके सामने, उसने को, अरे भाई आप तो न्यायपालिका में उंगली उठा रहे हो, ये कौन सी बात है भाई? मैं उठा रहा हूं, ये प्रेस मीडिया में जमानत जहां मिलती है तो वहां भी बोल दिया करिए। ये जी आजकल जनता सवाल उठा रही है जी, जिस तरह से फैसले कोर्ट से आ रहे हैं, जिस तरह से जजों की नियुक्तियां हो रही है, कौन कौन फैसले पूरी लिस्ट बता दीजिए, जिस तरह से जजों का प्रमोशन हो रहा है, जजों को राज्यसभा सदस्य बनाया जा रहा है, आप क्यों कोर्ट में जाते हैं, क्यों याचिका दाखिल करते हैं? जब आपको तकी भाई न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, संविधान पे भरोसा नहीं है, तो कोर्ट मत जाइए। अरे आम आदमी पार्टी कोई पार्टी हो, जनता की आवाज उठा दीजिए, जनता सवाल पूछ रही है, जिस तरह की नियुक्तियां होगी, इस तरह के प्रमोशन होंगे, जनता सवाल तो पूछेगी। अच्छा, ये सवाल पूछने का अधिकार है पार्टी ने, पर न्यायपालिका में आप बोल रहे हैं कि फेवरेट जज आ जाए तब वो फैसला ले लेगा, ये कौन सी बात? गौरव भाई, भारतीय जनता पार्टी ने हर संवैधानिक संस्था को तहस नहस कर दिया है। अच्छा। और अपने मनमाने तरीके चलाने की कोशिश की है। अच्छा। हर जगह इनका विवाद उत्पन्न हुआ है, जजों में भी कॉलेजियम को बाईपास करना चाहते हैं, सीनियरिटी को बाईपास करना चाहते हैं, और अपने मनमाने जजों को नियुक्ति कराना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तहस नहस कर दी, लोकतंत्र लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलना चाहती है, चाहती है लोकतंत्र खत्म हो जाए, राजतंत्र आ जाए और मोदी जी को राजा बना दीजिए। ठीक है, हो गया। ठीक है नवीन भाई, तमाम लोगों की बात सुनी, हर बार की आपको जानकारी है और सबके वक्तव्य आपने सुने, कैसे देखते हैं रणनीति को, निकाय चुनाव को, सत्याग्रह को, विपक्ष की एकजुटता को, और जिस तरह से तकी सैयद मोहम्मद तकिया कहना था कि फेवरेट आर्मी का यहाँ पर इंतजार किया जाता है। जी हाँ जी, मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त, ये सच है जी, कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जनाधार है जी, और एक बड़ा विश्वास जुड़ा हुआ है जनता का,
विरोधियों की संख्या 50-50 का इस वक्त जो है रुझान जी, तो तमाम सर्वे और जमीन पर जो नजर आ रहा है जी, ये आज की तारीख में 45-50% जनाधार और विश्वास और वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पास है जी, और उससे अकेले किसी दल की हैसियत नहीं है भाजपा को हराने की। क्या बात है? ये सच है कि विपक्षी एकता के बिना भाजपा को शिकस्त नहीं दी जा सकती। नवेद भाई, भाजपा के कई सारे संगठनों का संकेत कहीं ना कहीं अगर सफल हुए सारे विपक्षी दल एक हुए तो भाजपा को टक्कर दी जा सकती है, लेकिन कुछ चीजें जो नजर अभी आई है मामले को लेकर उसमें कुछ चीजें भाजपा को सताने वाली है, यानी भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती देने वाली है। जैसे कांग्रेस के साथ में आम आदमी पार्टी का 36 का आंकड़ा रहा, आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता जब आम आदमी पार्टी नहीं बनाई थी उन्होंने कि उनके जन आंदोलन से कांग्रेस हादसे पर आई, उसके बाद भी राहुल के खिलाफ जब फैसला हुआ तो केजरीवाल सबसे पहले बोले निडर तरीके से और आक्रामक तरीके से राहुल के पक्ष में खड़े हुए, जबकि इससे पहले सिसोदिया वाले मामले पर कई कांग्रेसी नेता ये कह रहे थे कि अच्छा हुआ वो जेल चले गए और उसका स्वागत कर रहे थे, उसके बाद भी केजरीवाल को ये लगा, जबकि केजरीवाल की अपनी एक अलग हैसियत है, उनका भी अपने आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री की दावेदारी हो सकती है, लेकिन उनके अंदर के एक राजनेता ने उनके अंदर के ने इस बात को महसूस किया कि इस वक्त भाजपा से लड़ने के लिए हमें बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे और आक्रामक हो गए। संजय सिंह इनके नेता लगातार प्रधानमंत्री का नाम लेकर कटु आलोचना करते हैं, ये है ये बूता या ये हिम्मत अखिलेश यादव जैसे जनाधार वाले विपक्षी नेता में भी नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी का नाम है, ये सच है जी। ये बड़ी सच बात है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर कटु आलोचना करना किसी बड़े दमदार ही विपक्षी नेता में दम होगा। तो ये जो ममता लगातार कांग्रेस को साइडलाइन कर रही थी लेकिन राहुल गांधी का जब मामला हुआ तो ये बड़ा संकेत भी है विपक्षी दलों के लिए कि अब आपकी सदस्यता भी जा सकती है, आप जेल भी जा सकते हो। ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों के नेताओं में एकता की जो एक गूंज नजर आ रही है, ये इसी तरीके से भाजपा को कम से कम चुनौती दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव तक कम से कम एक टक्कर का मुकाबला हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी किसी पक्ष और विपक्ष की बात या मैं निष्पक्षता की बात करने की कोशिश करता हूं, मुझे अखिलेश यादव जी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक विपक्षी नेता होने के नाते जिस तरह से इसके किसी भी नेता के लिए दो चीजें होती हैं, एक विपक्षी नेता के लिए जमीनी संघर्ष और दूसरा रणनीति, चुनावी रणनीति। जमीनी संघर्ष का मतलब यह होता है कि जनता के मुद्दों को उठा के विपक्षी नेता जमीन पर आए, उसमें फिलहाल हमें उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा जनाधार नहीं दिया, कांग्रेस को नहीं दिया, आम आदमी पार्टी को भी नहीं दिया, उसका खाता भी नहीं खोला, इसलिए अखिलेश यादव जी की जरूरत यह थी कि एक तो जनता के मुद्दों को जमीन पर उतरे, दूसरी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि एक रणनीति जो होती है लोकसभा में बहुत समय नहीं, लोकसभा चुनाव में एक साल ही शेष है, विपक्ष की एकता की जो सुगबुगाहट हो रही है उसमें खुल के जिस तरह केजरीवाल आए, क्या बात है, बड़ी बात बोली नीतीश आए, उस तरह अखिलेश सारस की सारस वाला मामला मैं ये नहीं कह रहा, मानी संवेदनाओं का सवाल है, अखिलेश जी उसमें बयान दे, उस पर ट्वीट करें, लेकिन 40 बार सारस के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया, राहुल के मामले पर सिर्फ एक बार किया। बिल्कुल सवाल इस बात का है कि आप सारस के मामले को लेकर 4 बार जा रहे हैं वो, लेकिन विपक्षी एकता के लिए आपकी सक्रियता उतनी नजर नहीं आ रही है जितनी पूरे इस वक्त महसूस करना पड़ गया। जनता के जुड़े हुए बेरोजगार उसको लेकर वो जमीन पर नहीं उतर रहे, लेकिन 4 बार सारस, मुझे सारस से कोई समस्या नहीं है, सारस का एक ह्यूमन एंगल की एक स्टोरी है, एक व्यक्ति है उससे जुड़ा सारस है, उसको मैं उसमें नहीं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या नहीं है अखिलेश जी को और हमारे मित्र जो समाजवादी पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने और भर्ती घोटाले की बात की,
मुझे अच्छा लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर गंभीर मुद्दे उठाते हैं लेकिन उनके नेता उस बात को लेकर सड़क पर नहीं होता। ठीक है नवीन भाई, बहुत अच्छा मैसेज है आपका। दिवाकर जी आप बड़े मुस्कुरा रहे थे नवीन भाई को बात कर, जब अखिलेश यादव को उन्होंने कहा कि वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं। पहले तो नवीन भाई और हमारा जी संजोग से हमारी नवरात्र का महीना जी आराध्य है और जी जावेद भाई नवीन भाई ना जो भी हैं जी अप्रवक्ता है आप जी तकी साहब जी इस पाक महीने में जिनका रोजा चल रहा है जी तो दोनों की शुभकामना हम दे रहे हैं जी। लेकिन जी लेकिन पाक महीने में कम से कम सच्चाई बोलनी चाहिए लीजिए, मैं कटाक्ष भी ले लीजिए, पाक महीने में सच्चाई बोलनी चाहिए। अब कौन सा लेंगे आप, जो कटाक्ष लेंगे कि शुभकामनाएं लेंगे, ले लीजिए, गौरतलब होगा भाई दोनों जी। और मैं दोनों चीजें स्वीकार जी, लीजिए स्वीकार। मैं सपा के भाई साहब के बारे में इनके शब्दों के बारे में कहना, हम सोचे कोई नई बात लाएंगे, अच्छा कोई सुझावात्मक बात भी लाएंगे। अच्छा एक चित्रकार था ना, कह दिया चित्र बना के टांग दिया कि इसमें जो गलती हो उसको बताएं, बड़ी पेंसिल लग गई। अच्छा लेकिन जब कह दिया कि जो गलती इसमें सुधारें तो एक भी पेंसिल नहीं लगी, जो हम लोग बचपन बढ़ाया गया है। अच्छा तो मैं इनकी बात जो कहा, इनके बड़े नेता गाली देते हैं इसलिए संजोग से भी हमको गाली, हमारी पार्टी को गाली, बेशर्म बनाना तो इनकी जमात हम नहीं करेंगे। आपने बेशर्म किया, आपने बेशर्म बना लेकिन रोक लिए। अच्छा चलिए ठीक है, रिकॉर्ड है, मैं उसको वापस ले, इसलिए कहना कि आपने उस पे आगे नहीं, जबान गाली सब नहीं है, शायद आपकी नजर में गाली होता है, जबान मैंने बताया जिस तरीके से जो है क्या नाम है, बहुत भारतीय लोगों की व्यवस्था हो चुका है सदन में, क्या क्या होता है मैं भी देखा हूँ, एमसीडी दिल्ली में क्या क्या हुआ है सब देखे। सुनिए अरे आप सुनेंगे, वर्तमान में आपके नवराज मंत्री बने बैठे, अभी बीजेपी के लोग अभी अभी जो है मैं कहूंगा इनके पास कोई नई बात नहीं आई, मैं तो सोचा कि कोई नई बात सुधारात्मक बात भी बोलेंगे, ये इनकी दो बातें आई जी। ये न्यायपालिका भी उंगली उठाने वाले हैं, अच्छा न्यायपालिका भी इनको भरोसा नहीं है, कर रहे हैं जब जब न्यायपालिका की बात नहीं, सुन लीजिए मिसलीड कर रहे हैं। और दूसरी बात तो काम आप लोगों को सुने 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 नहीं आप इतना सुनिए वाले केस में आजम खान वाले केस में आप सुनेंगे वाले मैटर में आप सुनेंगे। हाँ। अभी सभी लोग बड़ी शालीनता के साथ कोई किसी के बीच में नहीं बोला है, बोलिए लेकिन सुन लीजिए पूरी बात, सुना दीजिए। आप अभी न्यायालय के आदेश पे जी ऐसा ये लोग बयान देने लगे जी कि न्यायालय जो है जी न्यायालय के आदेश का पालन सरकार, अरे कितनी शालीनता पूर्वक न्यायालय के आदेशों के पालन के लिए सरकार तत्पर है, इसका उदाहरण अभी आपने आपने तीन दिन पहले से जो लगातार चला रहे थे ये होगा वो होगा, देखिए आए और न्यायालय का आदेश भी हुआ और जो न्यायालय ने आदेश किया उसका सरकार ने अनुपालन भी कराया। अच्छा सरकार न्यायालय के अपमान नहीं करती, न्यायालय का सम्मान करती है, और न्यायालय कभी सरकार हमारी उंगली के चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, न्यायालय का हमेशा सबको सम्मान करना चाहिए। अच्छा। न्यायपालिका ऐसी चीज है जहाँ सबको दिक्कत होती है न्यायपालिका में जाते हैं, लेकिन आप लोग क्या कहना, आप लोग तो हमेशा सुन लीजिए सुन लीजिए पहले भाई साहब की बात का, आप जहाँ तक नियुक्तियों के बारे में कहते हैं, हाँ। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, हाँ। कि भोजपुरी के हम लोग सूप कैसे है सब हंसे चलनियों हंसे, अच्छा। अब नहीं कहेंगे ज्यादा, कहें हाँ। कि भाषा में शालीनता के साथ रहना चाहिए जी। तो इनके यहाँ जब लिस्टें कैसे बनती थी, क्या भरते है, पुलिस भर्ती बोर्ड से लेकर के सारे भर्ती, सुन लीजिए सारे भर्ती कैसे थे, पूरी देश की जनता जाने और पूरे प्रदेश की जनता जाने, इसी कारण जनता ने भाजपा के प्रति विश्वास लगाया और पुनः भाजपा की सरकार को ट्रेनिंग दी जाती है और मिसगाइड करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, विपक्ष नहीं कराया। गौरव जी मैं बोलता हूं, सुन लीजिए, जनता हमारी न्यायपालिका कार्यपालिका इनके यहां झूठ बोलने की बकायदा हायरार्की है, हमारे प्रधानमंत्री जी प्राचीन हमेशा सपोर्ट कर रही है, सारे उपचुनाव और हमारे सबसे बड़ा हमारी सरकार का है, सारे सरकार का हमारे सबसे बड़ी बात है, पूरी पूरी जनता हमारे साथ है, सारे चुनाव में सहयोग कर रही है, पूरे भारत में डंका बज रहा भाजपा का, पूरा विश्व में भाजपा का डंका बज रहा है, विकास से लेकर के
आज भी एक भुखमरी से एक भुखमरी नहीं होती है, आज लाठियां नहीं चलती किसानों पे, किसानों का मुंह किसानों का गन्ना बकाया आपने मार डाला किसानों को, हमने आया हमारी सरकार आई किसानों के प्रति संवेदनशील है, किसानों की आज दिवाकर जी बोले झूठ बोलते हैं आप लोग, किसानों में खुशहाली है, किसानों में खुशहाली है, आप लड़के जितने पढ़े लिखे हैं सबको नौकरियां सोते हुए मिल जा रही है, जो जो के हैं जो नौकरियां मिल रही है, आप जैसे लिस्ट नहीं जा रही है, कोई योजना सारी योजना धरातल पर है, जितने इन्वेस्टमेंट था जितने इसमें था कि नहीं था, आप पुरानी बातें आप सरकार में आए हैं, दोबारी सरकार आ गई है, दोबारी सरकार आ गई, आप मुझे बताइए कहां पड़े हुए हैं, 100 दिन के अंदर काला धन की बात आई थी, हम देश के उत्थान की बात करते हैं, आप को बचाने में लगे हुए हैं, आप दिवाकर भाई आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी, आप लेकर आने वाली बातें आप सुनिए, आप जाग जाइए, आपके यहाँ जाग जाइए, नहीं तो यहाँ हम जगे हुए आने वाली पीढ़ियां जगाने का काम नहीं कर पाओगे, आप जब जगे हुए हैं देश बिक रहा था, दिवाकर जी क्या कर रहे थे, हमारी बात पूरी होने की शालीनता की बात कर बातें करेंगे, मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, जवाब देने गौरव जी कितनी बातें करें कोई जवाब दे पा रहे हैं, इनसे पूछूं लखनऊ के अंदर एक कोई काम बताइए, जवाब दीजिए अंदर कोई एक गौरव जी क्या बात हुई, एक कोई काम बारे 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 मुझे और पार्टियों का जवाब बताइए, तकी भाई जो आपसे बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप किस बिहाफ पे आरोप लगा रहे हैं, कौन सा आरोप आपने सिद्ध कर दिया, कौन सी अडानी के मुद्दे सुनिए आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन सवाल खड़ा कर रहे हैं आप, कहेंगे हर घर से नल योजना के तहत आप सुने 6 करोड़ों को जोड़ दिया, हमने कहा 11 करोड़ों को जोड़ दिया, सबको फ्री पानी शुद्ध पानी मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है शुद्ध पानी मिल रहा है, इंदिरा नगर में सेक्टर 8 पर बुंदेलखंड की बात करिए, इंदिरा नगर चलाया था चैनल में जहाँ भी रोड बैठ गई, जहाँ से लोग मरते थे, जहाँ प्रेशर बन रहा है, यहाँ पर आप न्यायपालिका पे उंगली उठा रहे हैं, भाई के जवाब देने दीजिए, ये न्यायपालिका पे उंगली उठा रहे हैं, अगर किसी जज को प्रमोशन मिला है, न्यायपालिका पर जो इन्होंने बोला है ये सबको सुन लीजिए, कोई जवाब सुन लीजिए, दिवाकर भाई प्लीज, सुन लीजिए तकी भाई आपका जवाब दे रहा हूँ, आप क्या बताएंगे, आप लोग अपने दामन में देखिए, पंजाब से लेकर के जो नाच नचाया था उसने थाना घेरा था, सरकार हमारी है, अच्छा। आपको खोज रही है, भाग गए इस देश में नहीं रह गए हैं वो, अच्छा। सरकार खोज निकालेगी चाहे जहाँ पाताल में होंगे, अच्छा। किसी उपद्रवी को हमारी पार्टी वाले भगाए क्या उनको, किसी देश में नहीं रहना दिया जाए, देख लिया मैंने, जब थाने पर प्रदर्शन किया सरकार को तुरंत वही गिरफ्तार करना चाहिए था, उस तरह से प्रदर्शन थाने पर जाके किए हो, इस बात को भूल गए, और आप क्या कहेंगे, शराब के बारे में सारी दुनिया जानती है और सारा देश जानता है, आप क्या है, आपकी क्या नीतियां हैं, आप कैसे सरकार चला रहे हैं, है। हमारी सरकार चल रही है शुद्ध रूप से, सरकार भारत की है, भारत की सरकार भारत की जनता के लिए, विदेश के जवाब देने के लिए नहीं है, हमारे गरीब सरकार के बारे में गरीब सुनिए गरीब, आप जाके विदेश में बात करते हैं लोग, भारत की सरकार भारतवासियों के लिए पहले है, हम रसा से भी अपने शर्तों पे समझौता करते हैं, ठीक है, और अमेरिका से भी अपने शर्तों पे समझौता करते हैं, ठीक है, दबाव में सरकार हो गया, हो गया, हो गया, और हो गया, मैं कांग्रेस भाई को कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए कांग्रेस भाई सुन लीजिए, कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता भाई सुन लीजिए, क्या बोले भाई, तो बोले नहीं सुन लीजिए, भाई बोल रहा हूँ भाई, कांग्रेस के भाई है, पूरी बात आप जबान पकड़ रहे हैं, जबान पकड़ भाई, आप मत जबान मत पड़े, भाव पकड़िए, हाँ भाव पकड़िए, और आपने यात्रा किया जी, हमने हम लोगों ने कहा ठीक आपका यात्रा, हाँ। और सरकार की जिम्मेदारी थी आपकी यात्रा निर्भग्न से बोले आप कहीं कोई दिक्कत नहीं, यात्रा में हुई पूर्ण रूप से, आपकी राहुल गांधी जी की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली जी, कहीं कोई रोक टोक, कहीं कोई आक्षेप, कहीं ने सरकार ने रोका, किसी यात्रा को रोका नहीं, और आप सुन लीजिए, आप सुधारात्मक करिए, यही बिल मनमोहन सिंह जब लाए थे मनमोहन सिंह जी बिल, तो कहां है आपके राहुल गांधी फाड़ दिए थे, क्या कर दिए थे, हो गया, आप सुन लीजिए, मेहमान बैठी हो गया, और हमारी सरकार हो गया, का सकारात्मक विरोध आप करिए, सदन में बात करिए, विदेश में जाइए, ठीक है, ठीक है, सरकार ठीक है, चौबीस जी गरीब अभी आप कर लेता हूं, के लिए गरीबों के उत्थान कर रही है, गरीबों के लिए है, पहले हमारा अंत्योदय है, अंत्योदय पे सरकार चलती है, अंत्योदय से चलती है, अंत्योदय चलेगी, अंत्योदय सरकार है, समझ रहा हूं, गैस चूल्हा घर घर पहुंचा है, अनाज घर घर पहुंचा है, किसान
किसान सम्मान निधि घर घर पहुंचा है, शौचालय घर घर पहुंचा, घर घर पहुंचा, एक भी वनवासी भाई को जिसको आप देखते नहीं, तुम्हारे वनवासी भाई भी आवाज चौबे जी हो गया। चलिए चौबे जी चंचल यादव बोलेंगे, चौबे जी प्लीज चंचल यादव बोलिए बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। अच्छा ट्रेनिंग दिया, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, देखिए आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आदर्श ग्राम योजना की बात करते थे। अच्छा, अभी मैं दिवाकर भाई से पूछ लूंगा कि आप मुझे बता दिए लखनऊ का जो हमारे आदरणीय वर्तमान रक्षा मंत्री पूर्व गृह मंत्री ने जो गांव गोद लिया था, नाम बता नहीं पाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, उस गांव का नाम नहीं बता पाएंगे जो गोद लिए थे। सवाल यह है कि केवल मिसगाइड करना है जनता को, केवल गुमराह करना है। आज के समय में मैं इनसे सवाल पूछता हूं, इस लखनऊ के अंदर अभी आपने इन्वेस्टर सबमिट करी थी, आपने सवाल किया था 35 लाख करोड़ का, दो बार इसके पहले आपने सबमिट करी, एक कोई प्रोजेक्ट अगर आके लग गया हो आप मुझे बता दीजिए, और जितने भी आपने झालर लगाई थी पूरे लखनऊ के अंदर, एक कोई पिलर अगर आपने 6 सालों में खड़ा किया हो मुझे बता दीजिए। आप लोग तो झूठ बोलने वाले लोग हो, आप मुझे बताइए आपने कहा 5 सालों में मेट्रो बनाएंगे, आप बताओ बनारस वाराणसी के अंदर हम लोगों ने डीपीआर तैयार कर दिया था, क्या वाराणसी की मेट्रो बन गई 6 सालों में? हमने रोपवे भी दे दिया, हमने रोपवे हमारी सरकार ने दे दिया, हम लोगों ने की बात करते हैं एडवांस जाते हैं, हम रोपवे दे देते हैं, मेट्रो तो दे रहे हैं साथ साथ रोपवे भी दे रहे हैं, दार्शनिक स्थल अब भारत जो है काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। दिवाकर जी बोलिएगा सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने 3-4 हाईटेक बनाई, 2 यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि कोई एक काम बता दो नगर निगम का लखनऊ के अंदर या किसी महानगर के अंदर, आज कोई रोड ऐसा उठा के देख लो जिन रोडों पे गड्ढे ना हो, हर साल रोड के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जो गड्ढा मुक्त करने के नाम पे इनके आप बताइए, हमारे जो मुख्यमंत्री जी इसीलिए भ्रष्टाचार के लिए जो डिप्टी सीएम साहब थे उनको निकाल के बाहर कर दिया उन्होंने, इसको ग्राम विकास मंत्रालय दे दिया गया, और आज के समय में कोई ऐसा रोड नहीं मैंने चल सकता हूँ खेतों में साढ़ मर रहे किसान, सड़क पर साढ़ मर रहे नौजवान, हाईवे पर साढ़ टकरा रहे वाहन, बाजार में साढ़ मर रहे व्यापारी, स्कूल के बाहर साढ़ मर रहे मासूम बच्चे, घर के बाहर साढ़ मर रही महिलाएं, पार्क में साढ़ मर रहे बुजुर्ग, हे भगवान ये भाजपा की सरकार है या साढ़ की सरकार है बताना चाहिए कम से कम, सवाल ये कम से कम ये सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। मैं बताऊं होने देंगे, कई सारे आप काउंसिल में चले जाओ, आश्रय खुले हुए हैं, गौ आश्रय खुले हुए हैं, गौ आश्रय छोड़ते कौन है, आज आज जो है पशु के मालिक कौन है, उनके पे भी जुर्माना सरकार को सरकार लगाएगी, सरकार ला रही है कि गौ भैंस आप आवारा नहीं छोड़ेंगे, सड़कों में नहीं आवारा बनने देंगे, सरकार गौ भैंस के लिए कितने चुनावी रैलियों में घोषणा करेगी, गौ भैंस को लेकर क्या काम करेंगे, लेकिन काम हो रहा है, हर ब्लॉक ब्लॉक में गौ आश्रय स्थल बन गए हैं, हर जगह सरकार व्यवस्था कर रही है, आपको भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी भाइयों को भ्रष्टाचार दिखाई देता है, और स्वच्छ लोगों को स्वच्छता दिखाई देता है। कुछ बोल रहे थे देखिए, हमारे दिवाकर भाई कह रहे थे भाजपा का डंका चारों तरफ बज रहा है, हम चाहते हैं भाजपा का डंका और बजे। अच्छा। और आम आदमी पार्टी और बजाएगी इसको, अच्छा, और शोर मचाएगी, उनकी आवाज को चारों कोनों में इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेगी, अच्छा। क्योंकि आम आदमी पार्टी को बीजेपी का बजाने बड़ा मजा आता है। अच्छा। और जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला लगातार के बाद झूठ झूठ को उजागर करेगी, और जनता जो परेशान है हर तरह से, हर तरह से जनता को लूटा जा रहा है, उसको जनता के बीच जाके उसकी आवाज को रखेगी। बीजेपी हर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तकरीबन ध्वस्त कर चुकी है। अच्छा। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र के गले पे पैर रख के खड़े हैं ये लोग। अच्छा। और किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने की सही से आजादी नहीं देते, जरा सा कोई बोलना शुरू करता है उसको फौरन या तो फिर नहीं रहता, तो आरोप लगा रहे हैं, बैठ के निराधार आरोप आप नहीं लगा पाते, आरोप निराधार आप लगा रहे हैं, कोई आधार नहीं आपके पास आरोप लगाने का, आखिर आप चाह रहे हो कि लोगों को बंद किया जाए, कोई आरोप आपके पास सत्यता नहीं है, आरोप निराधार लगाना आपकी चलो ठीक है, हो गया बोलना है आपकी आपकी दिवाकर भाई हो गया, अब चौबे जी बोलेंगे ठीक है, झूठ बोलना आपकी मेरी बात पूरे है दिवाकर भाई, बोलिए 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 बोलिए, आपकी बात में डेट होगा आपको, बोलिए बोलिए चौबे जी, अभी आप मैं लेता चौबे जी समय, अभी समय दूंगा आपको, बोलिए। अरे दिवाकर भाई सब रखिए, आप सत्ता पक्ष में है, अच्छा आप तो विपक्ष से बाहर ही नहीं आ पाते, 7 साल हो गए आपको, 6 साल हो गए यहाँ उत्तर प्रदेश में, 8-9 साल हो गए केंद्र में, अच्छा। अभी तक समझ नहीं पा रहे क्या सत्ता पक्ष में, अच्छा। अभी भी आप कहते हैं सत्ता पक्ष सरकार अगर अच्छी नहीं रहती तो दोबारा नहीं आती, जनता खुश है और ज्यादा बहुमत से जनता खुश है, हैट्रिक भी लगेगी,
और हमारा 27 भी हमारा 29 भी। चले ठीक है, हो गया, हम लोग हो गया, बात आ गई, ठीक है, अच्छा से चौबे बोलेंगे, ठीक है, हो गया, तकी भाई सब मोहम्मद तकी हो गया, दुआ करें सरकार जनता के लिए काम करे, सैयद मोहम्मद तकी आपसे बात हो गई, हमारी पार्टी सरकार बना रही है, ऐसे ही आप देखते रहेंगे, ऐसे ही लगा ऐसे बाजा बजाते रहेंगे, झुनझुना एक होता है बजाने का और कुछ नहीं आपके पास है। अजय चौबे बोलेंगे, ठीक है, दीपाकर भाई, अजय चौबे बोलेंगे, बोलिए चौबे जी, बोलिए चौबे जी, बोलिए। जनता अगर खुश होती तो भारतीय जनता पार्टी को जी महाराष्ट्र में एक पार्टी तोड़ के और विधायक खरीद के और दूसरी सरकार बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, और अगर जनता खुश होती तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की चुनी गई हुई मध्य प्रदेश की सरकार में जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके पुरखे को देशद्रोही बताते थे, झांसी की रानी से गद्दारी करने वाले बताते थे, आज उनको मंत्री बना के अपने आप को महिमा मंडित करते रहे थक रहे भारतीय जनता पार्टी, इनको सत्ता चाहिए बस केवल खरीद के सरकार बनाए। अच्छा, कर्नाटक में भी कैसे विधायक खरीद के सरकार बनाए साहब, अदानी के पैसे से आप, अरे खरीदना है और न खरीदना है, आप कहां से आरोप लगा रहे हैं, कोई प्रूफ है आपके पास सरकार की आलोचना करने का, कोई मुद्दा नहीं है, जनहित का आपके पास कोई मुद्दा नहीं, सरकार जनहित का काम करती है, आपका मुद्दा नहीं है, अनावश्यक मुद्दे आप लेके मत आइए, गंभीर बातें करिए, सरकार खरीदी नहीं जाती है, सरकार जनता बनाती है, विधायक सरकार बनाते हैं, ठीक है, सरकार विधायक बनाते हैं, सरकार जनता, चले ठीक है, ठीक है, नामे सुखे बोलेंगे, ठीक है, विश्वास होता है, नामे जी, नामे जी, नामे सुखो, ठीक है, चौबे जी हो गया, चौबे जी हो गया, मुझे विशेषण करा दीजिए, गलत आरोप मत लगाइए, नाबिर भाई, नाबिर भाई, अंतिम क्या विशेषण रहेगा आपका, सबकी बार आपने दोबारा एक चीज निकाय, आपके विषय में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव और एक राष्ट्रीय मुद्दा लोकसभा दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो एक निकाय चुनाव से लेकर राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। चंचल जी ने बहुत अच्छी बात कही, इस निकाय चुनाव में भूखे जानवर जो है, सांड जो है, गाय जो है, जो खेत चरे दे रहे हैं, जिनकी वजह से लोग मर रहे हैं, गौशालाएं होंगी, जरूर होंगी, सराहना, लेकिन लोग मर रहे हैं, ये भी सच है, ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और ये मुद्दा लोकसभा में भी होगा। और मजेदार बात यह है कि जमीनी लोकल चुनाव से लेकर राष्ट्रीय मुद्दा ये उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसान और आम इंसान और शहर के इंसान भी ये आवारा पशुओं से, खास होते भूखे पशुओं से बहुत परेशान है। एक चीज तो ये हो गई, निकाय चुनाव का नतीजा जाहिर सी बात है संकेत देगा इस बात का, ये बात जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टक्कर होगी, दोनों की अपनी ताकत है, ये भी बात सही है कि ये भी पता चलेगा इसके नतीजे में कि बसपा ने और कांग्रेस ने कितनी प्रोग्रेस की है, कितनी नहीं की है, आम आदमी पार्टी कितना अपना यहाँ पर सिंह लगा पाया है कि नहीं लगा पाया है, ये तो आपका निकाय चुनाव का हो गया। दूसरी जो सबसे अहम बात जो आपने एक राष्ट्रीय मुद्दे के तहत ये राहुल गांधी की बात कही, देखिए राहुल गांधी ने कांग्रेस ने जो मुद्दा अडानी का उठाया, दरअसल ये अडानी का मुद्दा नहीं है, जो उनका परसेप्शन मुझे नजर आ रहा है उनके बयानों से, उनके ट्वीट से और तमाम प्रदर्शनों से, वो इस मुद्दे को भारत की आम जनता से जोड़ रहे हैं, भारत की कमजोर आर्थिक नीति से जोड़ रहे हैं, भारत के आम गरीबों को जोड़ रहा है, बेरोजगारी को जोड़ रहा है और इस देश की रक्षा सुरक्षा को जोड़कर इस परसेप्शन को पूरे देश में क्षेत्रीय दलों के साथ, जिसमें आम आदमी पार्टी बहुत करीब बहुत सक्रियता से इस मुद्दे को उसने कैच कर लिया है। अगर इस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि अन्य दल भी अगर इस मुद्दे को उठाते हैं और इसको जमीन पर उस कांग्रेस की मंशा के तहत गरीबों से जोड़ते हैं कि तुम गरीब सिर्फ इसलिए हो क्योंकि अडानी घोटाला हुआ, तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ये सारी चीजें ये हुई, चाइना के साथ क्या कनेक्शन है, राष्ट्रीय कहने वाले राष्ट्रीय राष्ट्रवाद कहने वाले क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो बेदाग है इस बात में कोई शक नहीं है, उनके ऊपर एक सवाल उठाना, उनकी छवि के ऊपर एक चैलेंज करना, ये सारी चीजें इससे जुड़ी, अगर इसको जमीन पर उतार पाए कांग्रेस और एक महागठबंधन बन पाया तो ये जरूर है कि निकाय चुनाव क्या एक लोकसभा चुनाव तक ये मुद्दा बड़ा होगा, बहुत बढ़िया बात, और जैसा साबित हो सकता है जरूरत इस बात की है। मैं फिर कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा एक राज्य है और इसमें बड़ा एक विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, अगर खुल के इसमें आ जाता है तो ठीक है। दीपाकर जी 30 सेकंड जल्दी बोलिए, क्लोज करता हूँ, हमारी सरकार
हमारी सरकार की नीतियां जनता से जुटी हैं, जनता के लिए है। हाँ। अंत्योदय तक हमारा है, अंत्योदय हमारा मेन नारा है। अंत्योदय से लेकर के सुन लीजिए, अंत्योदय के लिए सरकार को जो भी करना है, गरीब जनता के लिए करना, जो भी सरकार करेगी या सरकार सामंजस्य बना के चलेगी या व्यवसाय भी बढ़ाएगी, गरीब के झोपड़े में पक्का मकान भी बनाएगी और गरीब के लिए काम भी करेगी, किसी को नहीं रहने देगी। सुनिए, सिलेंडर छोड़िए, सिलेंडर छोड़िए, हमारी सरकार है जो भी करती है और जो करती है करेगी। आर्थिक शक्ति में भी समान शक्ति बनेगी, सामरिक में भी समान शक्ति बनेगी। हमारी सरकार प्रदेश नहीं जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चाएं थी निकाय चुनाव को लेकर, जो कि उत्तर प्रदेश में 24 चुनाव की सरगर्मियों से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ चर्चा थी मजदूर विपक्ष को लेकर, यहाँ चर्चा थी सत्याग्रह को लेकर। विपक्ष की भूमिका है, उपचुनाव की भूमिका है और सबके परिणाम धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। 9 राज्यों में चुनाव की बिगुल फूक चुका है और कई राज्यों में हो चुके हैं और कई चुनाव होने बाकी हैं। पर एक बात स्पष्ट है कि यहां पर हर चुनाव हो, व्यवस्था हो, पार्टी हो, पर जनाधार केवल एक शब्द देता है, वो देता है जनता, यानी जनार्दन। जनता को जनार्दन इसलिए कहा जाता है कि जनता ही मजबूत विपक्ष तैयार करती है और जनता ही मजबूत सत्ता पक्ष तैयार करती है, उसके जनाधार पर ही फैसला होता है। सत्याग्रह भी होंगे, बातें भी होगी, आंदोलन भी होगा, रणनीति भी होगी, संगठन भी बढ़ेगा, चुनाव भी होंगे, पर शायद विपक्ष अगर मजबूत होगा तो एक बेहतर लोकतंत्र की जो हम लोग कल्पना करते हैं वो भी बेहतर यहाँ पर होगा। अगर मजबूत लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष जरूरी है तो मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। अब आने वाले समय में कितनी बातें होंगी, क्या बयान आएंगे और राजनीति हमारे देश की किस तरफ जाएगी, वो एक बड़ा प्रश्न है। पर मेरा मानना यह है, जिस तरह से सत्याग्रह यहाँ राहुल गांधी की सदस्यता पर हो रहा है, अगर एक ऐसा सत्याग्रह केवल जनता के मुद्दों के लिए हो जाए तो शायद तस्वीर बदलेगी, परंपरा भी बदलेगी और शायद हमारे देश की नीति और नियति भी बदलेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।